हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फारिक फ्रॉम निशास क्रिएशन चैनल। और आज हम जो क्राफ्ट करने वाले हैं वो डीआईवाई है, और आज हम ये क्राफ्ट छोटे बच्चों के लिए करेंगे। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे हम एंटिक फोटो फ्रेम बना सकते हैं, और ये फोटो फ्रेम बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग जो भी किड्स ये चैनल देख रहे हैं, ये प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। ये आप किसी को भी गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। और ये फोटो फ्रेम में हम घर पे अवेलेबल हुई चीज़ों से ही हम ये बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये क्राफ्ट। हाय फ्रेंड्स, मटेरियल विच इज़ नीडेड इज़ आइदर यू कैन यूज़ अ स्क्वायर माउंट बोर्ड और ओवल माउंट बोर्ड, फेविकॉल, फेविक्रिल कलर ब्लैक, गोल्डन, आइदर यू कैन गो फॉर ग्रीन कलर और फेविक्रिल और पोस्टर कलर, पोस्टर ब्लैक कलर, चना दाल, कटर, सीजर, पेंटिंग ब्रश, और वी नीड स्पंज, वी नीड स्केल, वी नीड रफ क्लोथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं ये अट्रैक्टिव फोटो फ्रेम। सो स्टार्ट यूजिंग पेंटिंग ब्लैक कलर। मैं ये पोस्टर कलर से ये फ्रेम को उसकी फ्रंट साइड को ब्लैक कलर कर रही हूँ। इसको कम्प्लीटली कोई भी एक डायरेक्शन में आपको पूरी फ्रेम को ब्लैक कलर करना है और उसको 5 to 10 minutes के लिए सूखने देना है। अलाउ इट टू कम्प्लीट ड्राई, to allow it and keep it for 5 to 10 minutes. So friends, मैंने इसको पूरे को ब्लैक कलर पेंट कर दिया है, और इसको मेक श्योर कि इसकी अंदर की सारी कॉर्नर्स या बाहर की सारी एजेस को भी ब्लैक कलर से हमें पेंट करना है, तो कोई भी कॉर्नर आपका छूटना नहीं चाहिए। सो मेक श्योर, अभी हम फेविकॉल लेंगे। ये ब्लैक कलर कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, और अभी हम एक एक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमको फेविकॉल अप्लाई करना है कोई भी एक साइड पे, लाइक दिस। और आप हाथ से भी कर सकते हो, या फिर आप कोई भी ऐसा इसको किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी माउंट बोर्ड का एक पीस छोटा सा कट कर दीजिए, और उसको आप ये स्टिकिंग पर्पस के लिए या स्प्रेडिंग के लिए आप इसको यूज़ कीजिए। फेविकॉल का बहुत थिन भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं, मीडियम लेयर हमें करना है। और सभी पूरी फ्रेम में एक साथ फेविकॉल नहीं लगाना है, हम कोई भी एक एक साइड पे ही पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फेविकॉल पूरा ड्राई हो जाएगा तो ये स्टिक नहीं हो पाएगा। आपको इसको रैंडमली ही डालना है, ऐसा कोई कम्प्लीटली उसको फ्लैट सरफेस को ही स्टिक करना है वैसा कुछ नहीं है। आप उसको रैंडमली ही डालते जाएंगे, लाइक दिस। और हल्के हाथों से आपको उसको प्रेस करना है ताकि वो स्टिक हो जाए, और उसको 10 minutes तक छोड़ देना है, उसको अपने आप सूखने देना है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। आप एक बार चाहिए तो जो भी एक्सेस है उसको गिरा सकते हैं, तो उससे जो स्टिकिंग नहीं है वो सारे ही गिर जाएंगे। और इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए, और जब तक ये सूख रहा है तभी आप दूसरे डायरेक्शन पे स्टार्ट कीजिए, दूसरी साइड पे कवर करना स्टार्ट कीजिए, लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, ये चना दाल 4 corners पे लगा के सारी रेडी हो गई है, और आपको उसको कम से कम 15 minutes के लिए उसको ड्राई होने के लिए रखना है। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं 15 मिनट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, हमें ये पूरी फ्रेम को वापस ब्लैक कलर करना है,
और आप ये पेंटिंग ब्रश से भी कर सकते हो या फिर आप उसको स्पंज से भी कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली करना है। और अगर कुछ कुछ कॉर्नर्स आपके छूट रहे, आपको लग रहा है कि वहाँ पे ब्रश नहीं जा पा रही है, वो साइड नहीं हो पा रही है, तो कोई बात नहीं, जितना भी मैक्सिमम आप कर पा रहे हो उतना मैक्सिमम करके आप उसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने इसको कम्प्लीटली ब्लैक कलर से कवर कर दिया है और अभी हम उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे कम से कम 10 मिनट्स तक। सो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लैक कलर कम्प्लीटली सूख गया है ये फ्रेम का। अभी हम ये फेविक्रिल पर्ल गोल्डन कलर से ये स्पंज लेंगे। इसको हम कोई भी प्लेट में लेकर के इस स्पंज को थोड़ा सा डिप करना है लाइक दिस, और फिर उसको हल्का सा हल्के हाथों से आपको रेंडमली उसको इफेक्ट देना है। आपको कोई भी जगह पे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ये करना है। इससे आपकी ये फ्रेम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव बनकर आएगी और बिल्कुल एंटिक लुक देगी। तो पैची नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हल्का सा इफेक्ट देना है। सो फ्रेंड्स, अभी ये पूरा ही फ्रेम रेडी हो गया है। लुक एट दिस, ये बिल्कुल ही एंटिक लुक दे रहा है। और आप इसके पीछे अपना कोई भी फेवरेट फोटोग्राफ है आप उसको लगा सकते हैं। इससे ये फ्रेम बहुत प्रिटी दिखता है। आप कोई भी फ्रेंड्स को या किसी को भी आप गिफ्ट भी कर सकते हैं और आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।